नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है सडन प्रॉस्पेरिटी इन आवर लाइफ। तो कई जातकों की हथेली में ना कुछ संयोग बनते हैं जो इशारा करते हैं कि जातक अचानक धनवान बनेगा। कैसे बनेगा, आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, पहली शर्त कि जो हमारा बिजनेस है ना वो वेल डेवलप्ड होना चाहिए, साथ में हमारा मरकरी भी वेल डेवलप्ड होना चाहिए, साथ में हमारा सन भी वेल डेवलप्ड होना चाहिए, और जो सैटर्न है ना ये पर्वत, शनि पर्वत, ये फ्लैट, ना डिप्रेस्ड ना ओवर डेवलप्ड, जस्ट फ्लैट। फ्लैट को ही शुभ माना जाता है। और एक बार और गौर करना कि ये एरिया जो बीच में होता है ये राहु का क्षेत्र होता है। राहु को भी देख लेना किस स्थिति में है। अगर डिप्रेस्ड है, गहरा है, तब भी ऐसी संभावनाएं नहीं बनेंगी। अगर ओवर डेवलप्ड है, अधिक उठा हुआ है, तब भी ऐसी संभावनाएं नहीं बनेंगी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बस फ्लैट होना चाहिए, और राहु फ्लैट हुआ ना तो आपको कंसंट्रेशन देता है, इंटेलिजेंस देता है। आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, एक भाग्य रेखा निकलती कहीं से निकले, मान लो मणिबंध से निकल रही है और सीधी पहुंची वो शनि पर्वत पर, और साथ में ना एक अजीब संयोग बनता है कि लेफ्ट साइड बाईं तरफ एक और फेट लाइन चलती है पैरेलल उसके, और जब ये यहाँ पहुँचती है ब्रेन लाइन पर, यहाँ से ये एक कर्व लेती है और कर्व लेकर एक ट्रायंगल बनाती है और पहुँचती है हमारी पहली वाली जो राइट वाली फेट लाइन है ना उसमें समाहित हो जाती है। मतलब हुआ कि ये क्वाड्रेंगल एरिया है हार्ट लाइन और बेल लाइन का बीच, मतलब कि ये 35 वर्ष, ये तकरीबन 55-56 वर्ष। इस अवधि के दौरान जातक ना धन कमाएगा, अचानक धनवान होगा वो। और कैसे होगा वो, शेयर मार्केट से या लॉटरी से कुछ ऐसा घटित होगा कि अचानक उसको संपत्तिवान बना देगा, धनवान बना देगा, उसकी जिंदगी फुल ऑफ लग्जरी। अब देखो ना, राहु भी अच्छा है, मरकरी भी अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है, शनि भी अच्छा है, विनस भी अच्छा है, और साथ में आपको मिल गई डबल फेट लाइन, वो भी क्वाड्रेंगल के अंदर एक ट्रायंगल बना रही है। पक्का इशारा है कि जातक अचानक संपन्नता प्राप्त करेगा। कहाँ से, शेयर मार्केट से या लॉटरी से, सट्टे से, कुछ ऐसा। आइए देखते हैं दूसरा योग, वो है कि सब कुछ यही रहे लेकिन जो जुपिटर है ना, जुपिटर के टॉप फैलेंज पर यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाए, बस ट्रायंगल। अब ऐसा योग डबल डेस्टिनी लाइन के साथ, सब पर्वत उठे हुए हैं और इस जुपिटर फिंगर के टॉप फैलेंज पर अगर बन गया है ट्रायंगल, तो ये इशारा करता है कि जातक को गड़ा हुआ धन प्राप्त होगा। मैं यहाँ वो मटके वाले धन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बड़ा दुर्लभ हो गया है, रेयर हो गया है। यहाँ ऐसा हो सकता है कि कोई जमीन खरीदी जाए और उस जमीन की खुदाई हो तो वहाँ से कोयला निकले, पेट्रोल निकले, या कोयले खदान है उसमें से डायमंड निकलना शुरू हो जाए, तो अचानक मिल गई ना संपन्नता धन। तो जैसे ही यहाँ
जुपिटर फिंगर पर इंडेक्स फिंगर के टॉप फेलेंज पर ट्रायंगल बना तो इशारा करेगा कि जातक को जमीन से, जमीन के गहरे से खूब धन मिलेगा, अपेक्षा से बहुत ज़्यादा, वो भी आकस्मिक। एक और योग बनता है, वो भी देखते हैं। चलो अब मान लीजिए हमारे पास डबल फेट लाइन नहीं है, हमारी लाइन सिंगल ही है और सब पर्वत विकसित हैं, लेकिन जो हमारी ये फेट लाइन है ना, जो ब्रेसलेट से निकल रही है और शनि पर जा रही है, शनि भी फ्लैट, राहु भी फ्लैट और यहाँ केतु भी ठीक। अब यहाँ एक बड़ा अनोखा संयोग बनता है कि जो आपकी फेट लाइन है ना, वो थोड़ी डिम है, फेडिड, हल्की है, लेकिन एक सूर्य रेखा बने, कोई अशुभ निशान नहीं यहाँ पर, वेल डेवलप्ड सन माउंट, और ये गहरी हो और लंबी हो, मतलब फेट लाइन से गहरी हो और लंबी हो, और साथ में ये हमारा पोलो माउंट, ये अपोलो फिंगर, ये थोड़ी सी रिंग फिंगर बड़ी हो, लंबी हो, एवरेज से थोड़ी ऊपर चली जाए, अब जातक को अचानक धन मिलेगा, अचानक संपन्नता मिलेगी, लेकिन तरीका थोड़ा गड़बड़ होगा। ऐसा जातक एक बड़ा जुआरी भी हो सकता है। अब वो पैसा तो कमाएगा, अचानक कमाएगा, लेकिन कहाँ से? गैम्बलिंग से। बहुत बड़ा गैम्बलर और गैम्बलिंग से उसके पास पैसा आएगा, अचानक आएगा, खूब मात्रा में आएगा और वह खूब लग्जरियस लाइफ जिएगा। तो ऐसे कुछ संयोग बनते हैं हमारे हाथ में जो इशारा करते हैं कि पैसा तो आएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा और आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। साथ ही उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और साथ में एक बेल आइकॉन का बटन है ना, उसको भी प्रेस कर देंगे। और फिर अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू, शुक्रिया, नमस्ते।